हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुश्ताक और आप देख रहे हैं मुश्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं जो सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे कि गुलदावरी है, डहलिया है, बहुत सारे प्लांट सब सीजनल आने वाले हैं इसके आगे। तो अब छोटी छोटी पौध आना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि गुलदावरी और डहलिया। तो अभी फिलहाल हमारे पास गुलदावरी के प्लांट आए हुए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि छोटे प्लांट किस तरीके से ग्रो करने चाहिए, कि जैसे कि आप 10-5 जो भी ले जाते हैं नर्सरी से उनको कैसे पॉट में लगाना चाहिए। आज सारी वीडियो में, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, देखिए अगर छोटा प्लांट आप लेके आते हैं तो ये 4 इंची का पॉट है, 5 इंची का भी ले सकते हैं आप, 6 इंची का भी ले सकते हैं, इससे बड़ा पॉट नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब ये रही सॉइल की बात। ये देखिए हमने जो सॉइल बनाया है इसमें वर्मी कंपोस्ट 50% और सादा मिट्टी 50% है। ठीक है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाना चाहते हैं, गोबर की खाद देसी मिलाना चाहते हैं, तो उसका करीब 30% ही गोबर की खाद मिलानी है आपको, देसी वाली 30%, और 70% मिट्टी करनी है, और कुछ भी नहीं मिलाना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास ये गुलदावरी के प्लांट्स जो आए हुए हैं, देखिए बहुत सारे हैं। तो हम इसमें से ले लेते हैं 5 प्लांट, आपको लगा करके बताते हैं किस तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए छोटे छोटे पॉट में, मिट्टी के पॉट हैं ये, छोटे पॉटों में लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत पॉट लग रहे हैं ये छोटे छोटे, देख रहे हैं आप, ये देखिए कितने खूबसूरत पॉट लग रहे हैं, है ना, ऐसे पॉटों में तैयार होती हैं ये पौध। चलिए हमने ये वीडियो क्यों बनाया, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर करके लोगों की शिकायत ये होती है कि हम ये छोटी पौध लेके जाते हैं और लगाते हैं अपने गमलों में तो हमारी 2-4 बचती हैं, जैसे कि 10 लेके गए उसमें से 2 बची, 8 सूख गई, ख़राब हो गई, गल गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप 5 लेके जा रहे हैं तो 5ों प्लांट आपके ग्रो होने चाहिए, है ना। और हम ये जो तरीका आपको बता रहे हैं इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अगर 5 लाए या 10 लाए, जितने भी प्लांट लाएंगे, अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका एक भी प्लांट खराब नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और फूल भी बहुत ही अच्छे से आएंगे इतने बड़े प्लांट में। ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा कि कब तक रखना है आपको। ठीक है, पहले तो हम लगा देते हैं इनको, देखिए इस तरीके से ही पकड़ के खींच लेना है, ऐसे निकल जाएगा। ये देख रहे हैं जड़ कितनी अच्छी हो रही है इसकी, ठीक है, बस ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से सोयल डालना है, बस हो गया। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, इसमें बड़े फूल वाले भी हैं, पंपिंग गुलदावरी भी है, पंपम गुलदावरी जो छोटे फूल में आती है एकदम गुलदस्ता जैसा बन जाता है वो भी है, और बड़े बाउल वाली भी है, इसमें कई सारी वैरायटी हैं। तो अब ज़्यादातर करके आपको नर्सरियों में मिल जाएंगी, अगर छोटी पौध आप लाना चाहते हैं तो ले आइए, और 4 इंची या 5 इंची का जो पॉट हो उसमें आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लगाना इसी तरीके से है जैसे हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लगा रहे हैं, ऐसे ही लगाना है। ये देखिए ठीक है, तो ये 5ों प्लांट हमारे लग के तैयार हो चुके। अब इन प्लांटों को कैसी जगह पे रखना है ये भी हम आपको बताते हैं। इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप लग जाए, आधा 1 घंटे की, जैसे कि लौटती हुई धूप मिल जाए या सुबह की धूप मिल जाए। ठीक है, डायरेक्ट एकदम सनलाइट में नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा तेज धूप अगर लगेगी इसमें तो ये खराब हो जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे क्योंकि अभी तेज धूप है। और एकदम खुले में भी नहीं रखना है क्योंकि बारिश पड़ रही है, बारिश का टाइम है और ज़्यादा पानी से गल जाते हैं। तो जो आपको हमने बताया थोड़ा शेडी एरिया में रखिए और थोड़ी बहुत धूप लग जाए, बढ़िया ग्रो करेंगे। और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है आपको 8-10 दिन में एक बार। अच्छा, कितने टाइम तक इस गमले में रखना है आपको, इसकी
हाइट हो जाएगी आपकी करीब 7-8 इंची, 8 इंची की करीब करीब हो जाएगी आपकी महीने सवा महीने में। फिर इसको आप अपने बड़े पॉट में लगा सकते हैं, निकाल करके कैसा भी आपके पास पॉट है 10 इंची 12 इंची, उसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी पौधा आप नर्सरी से छोटा ला करके बड़े पॉट में नहीं लगाना है, जो आपके घर में रखे हुए हैं मिट्टी इसमें भरी हुई है उसमें डायरेक्ट नहीं लगाना है। ऐसे पॉटों में पहले अच्छे से लगा लेना है, ग्रो कर लेना है, थोड़ी सी बड़ी पॉट हो जाए, पौध हो जाए, तब आपको बड़े पॉट में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आपको हमें देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।